हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे दिवाली के लिए बहुत ही खास, बहुत ही डिलीशियस स्वीट, जिसे हम अक्सर स्वीट मार्ट से खरीद कर लाते हैं, लेकिन इसे घर पर बिल्कुल इजी तरीके से और परफेक्ट स्वीट मार्ट जैसा कैसे बनाएं, इस वीडियो में आज मैं दिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं रेसिपी शुरू करूं, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर भी आपको क्लिक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो लीजिए, ये पेश है दिवाली स्पेशल काजू कतली की रेसिपी आपके लिए। जैसे कि हलवाई लोग बनाते हैं, जैसे हम स्वीट मार्ट से लाते हैं, सेम उसी टेस्ट वाली काजू कतली आज हम बनाएंगे। तो इस दिवाली के लिए काजू कतली की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। और इसके लिए हमने जो चांदी का वर्क लिया है वो प्योर वेजिटेरियन है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले हमें अच्छे क्वालिटी के काजू लेने हैं। आप इसके लिए टुकड़ा काजू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी कड़वाहट भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने अच्छे क्वालिटी के फ्रेश काजू लिए हैं। और अब मैं इसे मिक्सी जार में बारीक ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए, हमने काजू को ग्राइंड कर लिया है और इसे अब हम एक छलनी से छान लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए हमें काजू कतली बनाने के लिए। और छानने के बाद इसके ऊपर जो टुकड़े रहेंगे उसे फिर से हम ग्राइंड कर लेंगे और बाद में फिर से छान लेंगे। तो इस तरह से एक स्मूथ पाउडर हमें इसका बनाना है। और इसके लिए हमने काजू बिल्कुल फ्रिज में रखे हुए ठंडे काजू लिए थे, क्योंकि काजू में बहुत सारा फैट होता है और इसे ग्राइंड करने का एक तरीका है जिसे मैं आपको बताऊँगी। देखिए, अब हमने काजू पाउडर को अच्छे से छान लिया है और आप देख रहे हैं कितनी स्मूथ और एकदम फाइन पाउडर हमने इसकी बना ली है। अब एक कप काजू की पाउडर है ये, तो इसके लिए हमने हाफ कप चीनी ली है, 1/4 कप ली है मिल्क पाउडर, ये बहुत ज़रूरी है, इससे जो काजू कतली है एकदम सॉफ्ट बनती है। और 1 टेबल स्पून घी का यूज़ करेंगे। तो अब सबसे पहले एक पैन मैंने गैस पर रख दी है, फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें ऐड करते हैं चीनी। चीनी डिप हो जाए उतना ही इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसका 1 थ्रेड कंसिस्टेंसी वाला सिरप बनाएंगे, मतलब एक तार की चाशनी हमें इसकी बनानी है। कंटिन्यूस इसे चलाते रहेंगे। और काजू की जो पाउडर हमने तैयार की है, तो उसे तैयार करते समय एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि मिक्सी जार को कंटिन्यू चलाना नहीं है, 2-3 सेकंड बाद इसे बंद करते हुए फिर से स्टार्ट करना है, ताकि जो पाउडर है अच्छे से बन सके। नहीं तो काजू में बहुत ज़्यादा फैट होते हैं, उसकी वजह से ऑयल छूटने लगता है, तो वो अच्छे से पाउडर फॉर्म में नहीं हो बन पाता। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है काजू की पाउडर बनाने के लिए, कि मिक्सी जार को कंटिन्यूस ना चलाएं। काजू कतली एकदम इंस्टेंटली और बिल्कुल इजीली बनकर तैयार हो जाती है। इसे तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। सिरप बनकर तैयार है, मैंने गैस को बंद कर दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, एक तार की चाशनी बनकर तैयार है और जो मिल्क पाउडर हमने लिए हैं उसे काजू के पाउडर में अच्छी तरह से मिक्सअप करना है। और अब हम इसे मिला देते हैं सिरप में। और अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे इसे। गैस को हमने अब बंद कर दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करके कढ़ाई में चारों तरफ इसे फैला देंगे, लेकिन पहले इसमें हमें थोड़ा सा घी ऐड करना है। एक टेबलस्पून मैंने इसमें घी ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। घी ऐड करने से जो काजू कतली है सॉफ्ट भी बनती है और एक ग्लेज आता है काजू कतली पर।
अब इसे इस तरह से फैला देंगे। इस पर हमें लेयर नहीं जमने देनी है, नहीं तो ऊपर से जो है ये मिश्रण हार्ड हो जाएगा। करीबन 10-15 मिनट के लिए हमने इसे ठंडा कर लिया है और अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की। इसे हमें मसल कर एकदम चिकना बना लेना है ताकि जो काजू कतली है वो स्मूथ भी हो जाए और उस पर बिल्कुल क्रैक्स ना आए और शाइनिंग भी आ जाती है इसे मसलने से। तो इसके लिए हम एक पॉलीथीन पर इसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। वैसे भी एक स्पेशल प्लास्टिक पेपर आता है इसे मसलने के लिए, लेकिन हमारे पास जो है उसे यूज़ करेंगे। अब प्लास्टिक पेपर पर हमने डो रख दिया है और इसे मसलने का मथने का एक अलग तरीका है। हाथ का डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से इसे मसल मसल कर सॉफ्ट बना रही हूँ। करीबन 10-15 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही मसलना है और काजू में ऑलरेडी बहुत सारा फैट होता है तो इसे इस तरह से मसलने से फैट ऊपर निकलने लगता है तो एक तरह की शाइनिंग भी इसमें आ जाती है और अच्छे से स्मूथ डो बन जाता है। डो अच्छे से स्मूथ होने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। जितना मोटा या पतला हमें काजू कतली को रखना है उतनी मोटाई में हम इसे बेल लेंगे स्क्वायर साइज में। बिल्कुल स्क्वायर साइज में बेल लिया है। इसे सेट होने के लिए एक घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद में इसे कट्स लगाएंगे। देखिए अब ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसे करीबन हमने एक घंटे के लिए रख दिया था और अब हम इसके कट्स लगाएंगे। तो पहले हम इस पर अब चांदी का वर्क लगा लेते हैं और टेंशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब चांदी का जो वर्क है वो बिल्कुल वेजिटेरियन आता है। चांदी का वर्क लगा लिया है और इसे अब कट करेंगे। तो देखिए अब मैंने इसे कट कर लिया है और इसे अब मैं एक प्लेटर में निकाल लेती हूँ। तो हलवाई जैसे परफेक्ट काजू कतली खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दिवाली के लिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। बनाने के लिए बिल्कुल भी आसान है और एकदम परफेक्ट तरीके से हम इसे घर पर भी बना सकते हैं। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे कमेंट करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।